मैं हूँ मामून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि अक्सर सभी के घर में रोटी बच जाती है, उसी बची हुई रोटी से मैंने यहाँ पे पकौड़ा बनाए हैं, जिसे आप चटनी और चाय के साथ खूब मज़े से खा सकते हो। 2 मिनट में बनती है ये पकौड़ा। कुछ गिने चुने सामान लगेगी इसमें। चले हम शुरू करें। रोटी का पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए रोटी। आपके पास जितना रोटी बचा है आप ले सकते हो, या फिर आप जितना पकौड़ा बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप रोटी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक रोटी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रोटी को मैंने 8 पीसेस में कट किया है। आप रोटी को फोल्ड करके इसी तरह का कट कर सकते हो। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। अब लेंगे 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्ची को मैंने क्रश करके लिया है। ये है थोड़ी सी धनिया के पत्ते, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, अजवाइन नहीं है तो आप जीरा भी ले सकते हो, और बेसन लेंगे 1 कप, नमक स्वाद के हिसाब से। अब यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। पानी को बस थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। यहाँ पे हमें बैटर को पतला नहीं करना है, बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखें। अब बैटर रेडी हो गया है। इसी में हम रोटी को टैप करके तल लेंगे। रोटी को तलने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करके रखा है। फ्लेम को हाई में रखें और यहाँ पे हम एक एक रोटी को फ्राई करेंगे। रोटी को एक साथ ना डालें, अदरवाइज ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। बस जितना हो सके उतना डालें। अब यहाँ पे एक बैच पकौड़ा हो गया है। अब इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। दूसरा बैच में भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाल देंगे प्लेट में। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी दोस्त और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।